आइए ललन टॉप अड्डे में मुलाकात करिए हमसे और सितारों के संग करिए सत्संग आमने सामने 18, 19 और 20 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। रजिस्ट्रेशन फ्री है ललन टॉप ऐप पर। दुनिया का 85% पैसा, 80% व्यापार, 65% आबादी, अगर इन सब को एक मंच पर इकट्ठा किया जाए तो क्या होगा? ऐसा करने पर ग्रुप ऑफ 20 या G20 बनेगा, 19 देशों और यूरोपियन यूनियन का गठजोड़। इसी G20 का शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के बाली में शुरू हो चुका है। इस समिट में दुनिया के सबसे विकसित और विकासशील देश हिस्सा ले रहे हैं। वे दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो आज हम जानेंगे इस बार की G20 समिट किन मायनों में खास है, G20 समिट के पहले दिन क्या क्या हुआ और पीएम मोदी ने इस समिट में क्या कहा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक नेह निमंत्रण। महफिलों का दौर वापस लौट रहा है और साथ में लौट आया है ललन टॉप अड्डा। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे पर क्या क्या आपको मिलेगा? सितारों संग सत्संग मिलेगी, लाइव ललन टॉप क्विज मिलेगी, सही जवाब देने पर मिलेगा बढ़िया इनाम। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐप में सबसे ऊपर ललन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तारीखों पर लाल गोले का निशान जरूर बना लीजिए, आपका इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बाली में चल रहे G20 समिट के पहले दिन का लेखा जोखा देंगे। पहले एक बार सार बता देते हैं। G20 देश के 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है। यूरोपियन यूनियन में कुल 27 देश हैं, इस लिहाज से G20 में कुल 46 देश आते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य G20 का भी हिस्सा हैं। रूस G7 में नहीं है, लेकिन वो G20 में बना हुआ है, इस वजह से इस संगठन की अहमियत बढ़ जाती है। G20 की स्थापना 1999 में की गई थी। शुरुआत में इनके सम्मेलन में सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते थे। 2008 में सदस्य देशों के शीर्ष नेताओं की पहली बैठक हुई। 2011 से ये बैठक सालाना होने लगी। G20 की अध्यक्षता हर साल बदलती रहती है। समिट का एजेंडा मौजूदा मेजबान, एक साल पहले के मेजबान और अगले मेजबान मिलकर तय करते हैं। इस तिकड़ी को त्रोइका कहा जाता है। जैसे इस साल की समिट इंडोनेशिया के बाली में हो रही है, पिछली बार ये समिट इटली के रोम में आयोजित हुई थी और अगले साल ये भारत में होगा। इसलिए इस बार की समिट का एजेंडा इटली, इंडोनेशिया और भारत तीनों ने मिलकर तय किया है। G20 ने व्यापार, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज समेत कई अहम मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहमति बनाने में मदद की है। G20 ने अतीत में 2008 की वैश्विक मंदी, ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम, सीरिया के सिविल वॉर और COVID-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी जैसे मुद्दों पर मिलकर काम किया है। G20 UN या आसियान की तरह कोई औपचारिक संगठन नहीं है, इसका अपना कोई मुख्यालय भी नहीं है। G20 समिट में लिए गए फैसले सदस्य देशों की मर्जी पर निर्भर होते हैं, इन्हें मानने की कोई बाध्यता नहीं होती। G20 के बारे में और विस्तार से अगर आप जानना चाहते हैं तो ललन टॉप की मास्टर क्लास देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल हम इस बार की समिट की तरफ बढ़ते हैं। बाली में चल रही समिट चार वजहों से खास है, एक एक कर उन चारों वजहों को समझ लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, रूस यूक्रेन युद्ध। दोनों देशों के बीच लड़ाई फरवरी 2022 से चल रही है, इसके हाल फिलहाल थमने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। रूस यूक्रेन युद्ध भले ही दो देशों के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन इसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। हालिया समय में रूस को खेरसोन और खार्कीव के मोर्चे पर हार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद से यूक्रेन पर परमाणु हमले की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी को लेकर 14 नवंबर को तुर्की में अमेरिका और रूस की खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर मिले। अमेरिका का दावा है इसमें CIA के डायरेक्टर ने रूस को चेतावनी दी, कहा कि परमाणु हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
G20 की समिट शुरू होने से एक दिन पहले बाली में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। जो बाइडन के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों नेताओं की पहली आमने सामने की मुलाकात थी। इस मीटिंग में भी रूस यूक्रेन युद्ध का मसला उठा। मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विरोध किया। 15 नवंबर को ये समिट शुरू हुई। इस बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को बोलने का विशेष न्योता दिया गया था। उन्होंने अपने भाषण में युद्ध खत्म करने की अपील दोहराई। उन्होंने युद्ध के खात्मे के लिए 10 शर्तें रखी हैं। जेलेंस्की ने अपने पूरे भाषण में G20 की जगह G19 का नाम लिया। वो रूस को दरकिनार करते रहे। रूस G20 का हिस्सा तो है, लेकिन उनके राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन बाली नहीं आए हैं। उनकी जगह रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि G20 के देश रूस पर युद्ध रोकने को लेकर दबाव बनाएंगे। हालांकि रूस इस दबाव के आगे झुक जाएगा, इसकी बेहद कम संभावना है। जकार्ता पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समिट के बाद पुतिन को फोन करेंगे। इसमें वो शांति का प्रस्ताव रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, बढ़ती महंगाई। इस बार की G20 समिट ऐसे दौर में हो रही है जब कई देशों में 2008 जैसी वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ी हुई है। कई देशों में महंगाई चरम पर है, लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए हैं। इसकी एक बड़ी वजह रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस और यूक्रेन खाद्य उत्पादन में अग्रणी रहे हैं। युद्ध की शुरुआत के बाद से अनाज का निर्यात प्रभावित हुआ है। इसका सबसे अधिक असर आर्थिक दृष्टि से कमजोर अफ्रीकी देशों पर पड़ा है। G20 के सदस्य अर्जेंटीना और तुर्की खाद्य महंगाई से सबसे अधिक परेशान हैं। महंगाई का असर भारत और साउथ अफ्रीका जैसे विकासशील देशों पर भी पड़ा है। हालांकि दोनों देशों ने रूस के आक्रामक रवैये के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। पॉइंट नंबर 3, कोल्ड वॉर की आशंका। G20 समिट से पहले तक देशों के अलग अलग ध्रुवों में बंटने की बात चल रही थी। रूस और चीन का अलग गुट बन रहा था। ताइवान के मसले पर चीन और अमेरिका भिड़े पड़े थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के साथ भी चीन के रिश्ते बिगड़े हुए थे। 14 नवंबर को बाइडन और जिनपिंग की मुलाकात लगभग 3 घंटे तक चली। इस तनाव को कम करने की कोशिश हुई। 15 नवंबर को जिनपिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से भी मिले। जानकारों का दावा है इससे तकरार का ताप जरूर कम होगा। पॉइंट नंबर 4, क्लाइमेट चेंज। 2015 के साल में पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट हुआ था। इसमें शामिल देशों ने सदी के अंत तक धरती के तापमान की वृद्धि दर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की बात कही थी। इसको लेकर हर साल वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं उतरता। क्लाइमेट चेंज ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। इस साल पाकिस्तान में आई बाढ़ ने इसकी झलक दिखा दी है। बाली समिट में इस मुद्दे पर भी जरूरी बातें होने की संभावना है। इस बार की समिट का एजेंडा क्या है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। बाली में हो रही समिट में 3 विषय फोकस में रहेंगे, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और हेल्थ। 15 नवंबर की सुबह इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के भाषण से समिट की आधिकारिक शुरुआत हुई। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की अपील की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। पैराडाइम ऑफ कोलैबोरेशन इज बैडली नीडेड टू सेव द वर्ल्ड। We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Being responsible here also means that we must end the war. If the war does not end, it will be difficult for the world to move forward. आज के दिन का पहला सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर केंद्रित था। इसमें पीएम मोदी ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने भी रूस यूक्रेन युद्ध में संघर्ष विराम की अपील की। बोले, क्लाइमेट चेंज, कोविड महामारी, यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उससे जुड़ी वैश्विक समस्याओं ने मिलकर दुनिया को तबाही की कगार पर ला दिया है। इसे ग्लोबल सप्लाई चेन तहस नहस हो गई है। हमें इस बात को स्वीकार करने से भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यूएन जैसी मल्टीलैटरल संस्थाएं मुद्दों पर विफल साबित हो रही हैं। इसलिए आज G20 से दुनिया को अधिक अपेक्षाएं हैं। हमारे समूह की प्रासंगिकता और बढ़ी है। मैंने बार बार कहा है कि हमें यूक्रेन में संघर्ष विराम और डिप्लोमेसी की राह पर लौटने का रास्ता खोजना होगा। पिछली शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध ने दुनिया में कहर ढाया था। उस वक्त के लीडर्स ने शांति की राह पकड़ने की कोशिश की। अब बारी हमारी है। पीएम मोदी ने आगे कहा,
महामारी के दौरान भारत ने अपने 130 करोड़ नागरिकों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, साथ ही दूसरे जरूरतमंद देशों को भी आपूर्ति की। खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में फर्टिलाइजर्स की किल्लत भी बहुत बड़ा संकट है। आज के समय में फर्टिलाइजर्स की कमी का मतलब है कल के समय में खाद्य संकट। इसका समाधान दुनिया के पास नहीं होगा। पीएम मोदी ने ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी अपनी चिंता प्रकट की। बोले, भारत की ऊर्जा सुरक्षा दुनिया के विकास के लिए बेहद जरूरी है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। हमें एनर्जी की सप्लाई पर किसी भी तरह के प्रतिबंध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही हमें एनर्जी मार्केट में स्थिरता भी सुनिश्चित करनी चाहिए। भारत क्लीन एनर्जी और पर्यावरण के प्रति संकल्पित है। 2030 तक हमारी जरूरत की आधी बिजली नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों से मिल रही होगी। पीएम मोदी ने उम्मीद भी जताई कि भारत की अध्यक्षता में इन सारे मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बन रहा है। वो अगले बरस होने वाली समिट की मेजबानी भी करेगा। इस लिहाज से भारत के पास समिट का एजेंडा तय करने का अधिकार होगा। सेशन से अलग पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूके के पीएम ऋषि सुनक के साथ मीटिंग की। G20 समिट से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में भारतीय समुदाय को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंधों पर बात की। उन्होंने अपने भाषण में इंडोनेशिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को जनवरी 2023 में आयोजित प्रवासी दिवस समारोह के लिए भी आमंत्रित किया है। इस बार का प्रवासी दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच इंदौर में आयोजित होगा। पीएम मोदी ने और क्या कहा वो भी आप सुन लीजिए। आज जब पूरा विश्व एनवायरमेंट फ्रेंडली और होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आकर्षित हो रहा है तो भारत का योग, हमारा आयुर्वेद, ये पूरी मानवता के लिए तोहफा है। और साथियों, जब आयुर्वेद की बात आई है तो मुझे भारत इंडोनेशिया के एक और जुड़ाव का ध्यान आ रहा है। मुझे याद है जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी और यहां की यूनिवर्सिटीज हिंदू इंडोनेशिया, इसके बीच समझौता हुआ था। मुझे खुशी है कि इसके कुछ ही वर्ष बाद यहां की इस यूनिवर्सिटी में आयुर्वेद हॉस्पिटल की भी स्थापना हुई। आज इस अवसर पर मैं आप सबको अगले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के लिए भी निमंत्रण देता हूं। जनवरी महीने में 9 जनवरी को यह कार्यक्रम होता है। इस बार ये आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होगा और इंदौर वो नगर है जो पिछले 5-6 बार से देश में स्वच्छ शहर के नाम पर हिंदुस्तान में नंबर एक रहता है। और इसलिए आप इंदौर के प्रवासी भारतीय कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। अपने निजी काम से लिए आ रहे हैं तो भी तारीख उसके साथ एडजस्ट कीजिए, और जब आप इंदौर आएंगे तो उसके 1-2 दिन के बाद ही अहमदाबाद में काइट फेस्टिवल होता है। इंडोनेशिया वाले काइट फेस्टिवल में न जाए ऐसा हो सकता है क्या? और जब आप आए अकेले मत आना, सिर्फ अपने परिवार को ही लेकर के आकर के रुक मत जाना, कुछ इंडोनेशियन परिवारों को भी साथ ले आइए। मुझे विश्वास है भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को मजबूत करने में आपका सहयोग और सक्रिय योगदान निरंतर बना रहेगा। आप सब पूरी मेहनत से आपकी इस कर्मभूमि के कल्याण के लिए, आपकी इस कर्मभूमि में जितना ज्यादा योगदान दे सके देते ही रहेंगे। ये भारत के संस्कार है और देने भी चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। बाली में चल रही G20 समिट 16 नवंबर को भी जारी रहेगी। इसमें हो रही हर छोटी बड़ी अपडेट्स पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक और जरूरी जानकारी लेते जाइए। दी ललन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी है।
हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा, तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए लल्लन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात यह है कि गुरु आने वाली है मौज, बहुत तमाम लल्लन टॉप हस्तियां आ रही लल्लन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए, और हम लल्लन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है, वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी, और फ्री है एंट्री। लेकिन डाउनलोड करनी होगी लल्लन टॉप ऐप, फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।